मम्मी यार मुझे 200 रुपीज दे दो, मैंने ना अपने फ्रेंड के साथ जाना है। अच्छा पैसे चाहिए, क्यों चाहिए? मम्मी मैं ना आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से बता दूं कि मुझे आपसे 200 रुपीज क्यों चाहिए। वैसे तो बहुत सारी वजह है मुझे आपसे 200 रुपीज क्यों चाहिए। 200 रुपीज मुझे आपसे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे पहली वजह। दूसरी वजह कि मैं और किससे पैसे मांगूं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह कि मुझे जन्म किसने दिया है? आपने। तो मुझे पैसे कौन देगा? आप। अच्छा तो बेटी मेरी है तो मुझे ये भी बता दे कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। मम्मी और क्यों जा रही है, कब तक आएगी? 200 रुपए तो मांगे थे यार मैंने, क्या गलती कर दी। अरे बेढंगे से कपड़े को पाए हुए, फटे फटे से जा, थोड़े ठीक कपड़े डाल के जा। आपने दिलाया था मुझे ये टॉप। मम्मी मम्मी मैं ना प्रिया के घर जा रही हूँ पढ़ने। कौन पढ़ेगा, मैं तो घर घर खेलूंगी। हाँ हाँ बेटा तू तो जा। ए ले 500 रुपए, वो आपने कहा था ना कि आपने वो ऑयल पेंटिंग वाले कलर्स वाला ड्राइंग बुक लेनी थी, कार्टून वाली है ना, लो जाओ। और तू ये ले 50 रुपए, आंधे हुए पेट्रोल डलवा ले स्कूटी में, पापा को चाहिए स्कूटी, जरा दूर तक मत जाना, दोस्त को कहना कि यहीं पे लेने आ जाए तुझे, और घर पे ही बुला लिया करो आगे से। घर के अंदर पढ़ते नहीं है, बाहर जाके पढ़ेंगे ये। आज तो प्लेस्टेशन और मारियो के गेम खेल के मजा ही आ गया, 500 रुपीज में तो 200 की हमने सॉफ्टी खा ली। एक मिनट, ये तो मीनू दीदी है, ये किसकी कार में जा रही है? रुक यहीं पे रुक, आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे उतरूंगी। बेबी घर तक छोड़ देता हूँ ना। पागल है क्या, वाइपर पड़ेंगे वाइपर। घर तक छोड़ देता हूँ, तुझे पता नहीं है कि मेरे मोहल्ले के बारे में और मेरी मम्मी के बारे में, डेथ ही हो जानी है। चल ठीक है, बस कल मिलती हूँ, बाय बाय। सुन यू टर्न मार के जाइयो, मेरे घर के आगे से मत जाइयो, समझ आई? जब भी आपको गाड़ी में छोड़ के आया था वो कौन है? मैं? अरे मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड छोड़ने आया था, कह रहा था कहाँ तो पैदल जाएगी, मैं ही छोड़ देता हूँ। वैसे मैं छोटी हूँ पर दिमाग मेरा बड़ों वाला ही है, मुझे सब पता है। तू मम्मी को तो नहीं बताएगी ना? नहीं बताती कुछ मम्मी को, उसके लिए ना आपको मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। वैसे तो तू मेरी छोटी सी और प्यारी सी बहन है, बताना तो नहीं चाहिए। मैंने कौन सा कुछ गलत किया है, लड़के के साथ आ रही हूँ तो क्या हो गया है ना? ये मेरी चॉकलेट है, ये तू खा ले, मेरी प्यारी बहन है ना, बस प्लीज इसके बदले में ना मम्मी को मत बताना, प्लीज। हाँ प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं भूल गई सब कुछ, अब जाओ खुश रहो, हंसते बसते रहो, जो मर्जी करो, मुझे क्या लेना, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो अंधी हूँ, बाय। चॉकलेट खाऊंगी, फ्रिज में रख देती हूँ। A few moments later. मम्मी आ गई। ओ आ गई पुत्र, तेरा इंतजार कर रही थी मैं। हाँ जी लेट होगी आने में। ओ मम्मी बस बस बड़ा लेट कर देती है सच्ची, आज बस लेट ही आई है पता है, फिर पैदल आई मैं यहाँ तक है ना, पैसे बचाने के चक्कर में। आप तो पैसे बस वाले ने लेट करवाता, हाय मैं मर जाऊँ। पुत्र ऐसी कौन सी बस होती है जो सिर्फ 2 सीटर होती है और ड्राइवर और तू इकट्ठे बैठ के आते हो जिसमें 2 सीटर। और बस भी बहुत छोटी थी बेटा, और बस तुझे यहाँ घर के मोड़ पे उतारने आई है। वाह मम्मी वो ऐसी बस में मुझे भी ले जाओ कभी,
मम्मी किसने बताया आपको? मम्मी मम्मी, दीदी ने पता क्या किया? कि फिर से लड़ाई होगी तेरी दीदी के साथ? वो ना मीनू दीदी ना किसी के साथ आई है, उन्होंने तो आपको झूठ बोला है, वो कोई सहेली के घर नहीं गई थी। अच्छा, किसके साथ आई है वो? मैं नहीं बताती, दीदी ने ना मुझे ये चॉकलेट दिया है कि आपको कुछ ना बताएं। ये क्यों बता दिया मैंने? तो दीदी ने ये थोड़ी मना किया था कि चॉकलेट के बारे में नहीं बताना। फ्रिज में तेरे लिए बड़ी वाली चॉकलेट पड़ी है, पहले बात बता फिर उठा ले जाके। मीनू दीदी ना किसी लड़के के साथ आई है, घर के मोड़ तक लड़का ना उनको छोड़ने आया था, और ना मीनू दीदी ने ना मुझे चॉकलेट दी थी, जब मैंने दीदी को देख लिया था लड़के के साथ। चीनू चीनू कुछ तो अंदर जा, मैंने मीनू से थोड़े प्यार से बात करनी है, और ना दरवाजा बंद कर लिया। अब तुम बच्चे ना प्यार से समझते नहीं हो, थानू ना चप्पलों की लोड़ है, आप तुम दसा मैं।